नमस्कार, मैं खुशबू यादव और आप देख रहे हैं BNY न्यूज। एक नई आवाज, एक नई पहचान। हम प्रदेश और देश की सभी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की खबर में क्या कुछ है खास। कुछ उपद्रवी अक्सर देर शाम को डंठल जलाने जैसी कर रहे हैं हरकत, उन्हें कानून का डर नहीं। आपको बता दें, अक्सर देखने और सुनने में आ रहा है कि कुछ उपद्रवी अनबुझ किस्म के किसान देर शाम को ही धीरे से जाकर डंठल में आग लगा दे रहे। वहीं आग धीरे धीरे फैलते फैलते विकराल रूप धारण कर ले रहा और खेतों में पड़ी खरीफ फसलों सहित लोगों के आसियाने व मवेशियों को अपने आगोश में लेकर तमाम किसानों के बर्बादी का कारण बना जा रहा है। शुक्रवार को सहनकोटी, काशीपुरम सहित जोगिया व गुना के सिवान में आग ने जो तबाही मचाई और तमाम किसानों का लाखों का जो नुकसान हुआ, डंठल जलाने से ही हुआ। इसी प्रकार गुरुवार की शाम क्षेत्र के कृतपुरा व सनिया गांव के सिवान में गेहूं के डंठल में किसी ने आग लगा दिया था, जो देर रात तक पूरे सिवान में फैलता गया और लोगों में दहशत और भय का माहौल बना रहा। गनीमत रहा कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई। BNY न्यूज के लिए रुद्रपुर से प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। ऐसी तमाम और खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए।